जय हिंद। मैं भाई कुमार अवनीय सर आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसे कि फायरमैन का हम लोग बैच चला रहे हैं, जिनको लग रहा है कि हाँ मेरा हो जाएगा, मतलब अधिकतर बच्चा जो 70 के ऊपर ही है उन लोग का हम बैच चला रहे हैं। अभी भी जिनको गांव देहात हो या कहीं भी हो शहर में, चाहे जहाँ आपको लगे कि हाँ मेरा फायरमैन में रिजल्ट होने वाला है, तो आप लोग अपना तैयारी करते रहिए, क्योंकि आने वाला समय जो है, आप देखें मद निषेध का जो आया था उसमें बहुत कम समय दिया था, 1 महीना आपको रनिंग वगैरह सब कुछ करा के रिजल्ट दे दिया था। फिर वैसे बिहार SI का भी आया था तो आपको 28 दिन के बाद रनिंग के लिए बुला लिया, तो इसीलिए आपका जो आने वाला समय है, मुझे लग रहा है कि आपको 28 को एग्ज़ाम है दानापुर में 194 आदमी का, उस सब के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। वो लोग आए अपना रिजल्ट एग्ज़ाम दे और रिजल्ट को सुनिश्चित करें। आप एक सीट के लिए आइए अपना, लेकिन पूरी तरह से प्रिपेयर होकर आइए कि हाँ हमारा रिजल्ट होगा, तब उस लेवल से आइएगा, माइंड सेटअप करके आइए और बिल्कुल आप 75 के एवं मारिए, 70 के एवं मारिए, आपका रिजल्ट होगा। क्योंकि ये सरकार उसी लिए, अभी कॉपी जब खुला, कॉपी खुलने समय फर्स्ट टाइम खुला वहाँ बेटियाँ से, तो पता चल गया कि नहीं हमारा 194 कॉपी ही गायब। ये सरकार का बहुत अच्छा पहल है, क्योंकि वो चाहता तो दाब भी सकता था कि हाँ चलो इतना कॉपी नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि आप सभी जो 194 बच्चा है उन सब के लिए एक सुनहरा फिर मौका मिला है, क्योंकि आप लोग का कॉपी तो जा चुका था, लेकिन ये सरकार की पहल से आप लोग का कॉपी मिला है। कॉपी मिला नहीं, आप लोग का एग्ज़ाम होगा, आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, पूरी माइंड को सेटअप करके और निकालिए, और निकाल के अपने एक सीट के लिए अपने हकदार बनिए। और जिनको भी अभी हम जो बता रहे थे कि कैसे एक्सरसाइज होता है, क्या होता है, फायरमैन के ही हम लोग का बैच चल रहा था, उसके हम लोग अभी आज 30 मिनट रनिंग किए, बिल्कुल लंबा एंड्योरेंस रनिंग आज किए हैं, अभी एक सप्ताह हम एंड्योरेंस रनिंग करेंगे, उसी बदौलत इन लोग का एक्सरसाइज क्या करना है नहीं करना है, जैसे स्टेप खुलेगा कैसे, स्टेप खुलेगा उसके लिए क्या क्या करना है, तो हमारे सर बता रहे हैं। जैसे कि ये जो पैर हम लोग उठाते हैं ऊपर, ये जो थाई है, थाई का और इसका, ये दोनों रनिंग में बहुत इसका काम, और ये दोनों मजबूत नहीं होगा तो फिर हमारा आने वाला समय में आपका जो सीन पेन होगा, एंकल पकड़ेगा, घुटना पकड़ेगा, ये सब से अगर दूरी निशान पाना है तो आप लोग बिल्कुल निसंदेह हमारे संस्थान आइए। हम लोग ये सबका बिल्कुल अच्छे तरीके से, जैसे कि हमारे सर करा रहे हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से हम सबको उस लेवल पर ला देते हैं कि आने जितना समय है उसमें हम लोगों का बच्चा मैक्सिमम लड़का पास करता है। जैसे बिहार पुलिस का 84 से 15 में हमारे पास जितना बच्चा था वो सब क्वालिफाई कर गया, क्वालिफाई नहीं अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई, 100 में 100 नंबर लाने वाला लड़का भी है और लड़की भी है मेरे पास। तो वैसे ही हम फायरमैन का एक बैच बनाए हैं जिसमें हमें अनुमान है, अभिन के रिश्ते में अभिन भी दौड़ होता है, अभिन भी दौड़ होगा तो मुझे अनुमान है कि मेरा यहाँ का जो लड़का है वो 90+5 लड़का लाएगा। अभी उस लेवल पे हम लोग लाए हैं उन लोगों को, और धीरे धीरे इन लोग का भी हमारा मेन मोटिव रहता है कि जितना बच्चा है उस सबको 80+ नंबर लाए फिजिकल में, जिसे कोई भी कैटेगरी का होगा तो उसका मेरिट बन जाएगा। और रहे आप अभिन से अगर सजग है और सुचारू रूप से अपना मेहनत कर रहे हैं कि हमको ये निकालना है, आपका घर परिवार के सब परिस्थिति देखते हुए, ऐसा नहीं कि जो बिहार पुलिस या किसी का तैयारी करते हो सनात, हम मिडिल फैमिली के लोग ही इस सबका तैयारी करते हैं, जो बिजनेसमैन है बड़ा बड़ा है वो लोग इसका तैयारी ही नहीं करता, तो इसलिए आप लोग सजग रूप से और आपको लगे कि हाँ होना है तो आप अभिन से ही लग जाइए, क्योंकि आपको 45 हम मुझे उम्मीद है कि 28 को एग्ज़ाम होगा और नेक्स्ट हमको 15 या 20 तक ये रिजल्ट देने का संभावना है, तो इसलिए आप लोग अभी से अपने फिजिकल को एकदम पूरी तरह से जी जान लगा के कीजिए, तभी जाके आपका एक रिजल्ट सुनिश्चित होगा। एक रिजल्ट अगर आपका सुनिश्चित होता तो उससे आपको बेनिफिट होगा, समाज में आपका नाम ऊपर जाएगा, फिर आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। ये सब के चलते आप लोग अपने लिए नहीं तो फिर माता पिता के लिए आप तो कमाइएगा, लेकिन आपका बाल बच्चा जिस जो होगा वो आपको आपके पैसा से वो पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से कर पाएगा, क्योंकि हम सब जितने लोग हैं ये सब बिहार पुलिस या जिस तरह की तैयारी करते हैं वो सब कोई एक समान परिवेश से आने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग जहाँ भी हैं अच्छे ढंग से मेहनत कीजिए। और हमारे संस्थान से अगर जुड़ना चाहते हैं तो बिहार फिजिकल रनिंग एकेडमी गांधी मैदान, ये यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी है, इसे लाइक सब्सक्राइब दोनों करें और आइए जुड़िए हमसे, हम आपके रिजल्ट के लिए एकदम 100% जिम्मेदार है, आप आइए और सुनिश्चित कर देंगे कि आपका मेरिट बनेगा। जय हिंद।